सबों को यीशु सहाय। आज हम YouTube के माध्यम से पारिवारिक सप्ताह मना रहे हैं, तो आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे ईश्वर सर्ववासी पिता, हम सारे अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को हरेक प्रकार की जोखिमों से बचाकर सुरक्षित रखा है। इस समय इतनी विषम परिस्थिति होने पर भी तूने हम सबों के अगुवाई की, हमारे मनों को तैयार किया कि हम YouTube के द्वारा अपने अपने परिवारों में पारिवारिक सप्ताह मना रहे हैं। तू हमारे मनों को शुद्ध और पवित्र कर कि हम शुद्ध मन से तेरी स्तुति महिमा करें। आज का जो वचन ठहराया गया है हमारे मनों में दृढ़ता से बसने दे। गत वर्ष के अप्रैल माह से आज तक के हर प्रकार के आशीषों और उत्तम दान जो हमें आपके द्वारा प्राप्त हुई है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप हम सबों से हुई है क्षमा कर। हम सब जो मसीही पारिवारिक संतान है तुझसे प्रेम करे और तेरी कलिस्ता से प्रेमी अंग बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। ठहराया हुआ पाठ सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 22 से अंत तक और 9वां अध्याय का पहला पद। मरकुस 8 22 से अंत 9 का पहला पद। यीशु बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे
यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव ना रखना। यीशु और उसके चेले कैसेदिया फिलिपी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में या किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूश उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता के महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। यहाँ तक आज का पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऑनलाइन से जुड़े जमसपुर पेरिस के सभी मसीही परिवारों को मेरा साप्रेम यीशु सहाय, और साथ ही साथ WFCS का पारिवारिक सप्ताह और मातृ दिवस की शुभकामना आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत होने। तो वचन में जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के इस संध्या काल में प्रभु हम सबों को फिर से ऐसा आशीष और अनुग्रह दिया है कि हम सब भले चंगे और स्वस्थ हैं और आपकी महिमा करने पाते हैं। प्रभु आज के इस वचन के माध्यम से तू हर एक के जीवन में प्रभु आशीष को लेकर के आइए। प्रभु हर एक को वचन में बने रहने में आप सहायता करें, और पिता परमेश्वर इस वचन के बोलने में प्रभु आप ही अगुवाई करिए, जिससे कि यह वचन हर एक के लिए प्रभु आशीष का माध्यम होने पाए। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसा कि आज का यंत्री पाठ के अनुसार जो वचन था हम लोग पढ़े, मरकुस उसका 8वां अध्याय उसका 22 पद से अंत तक और 9वां अध्याय का 1वां पद, जिसमें कि मैंने आज मरकुस 8 का 22 पद से लेकर के 26 पद तक को लिया है। और इस जगह में एक घटना है जो यहाँ दर्शाया गया है। इस घटना में हम देखते हैं
कि बैतसदा में ये घटना हो रही है और इस घटना में वहां के लोग जो थे वे लोग एक अंधे व्यक्ति को लेकर के आते हैं और वे लोग यीशु मसीह से विनती करते हैं कि यीशु मसीह उसको छुए और यीशु मसीह जो है उस अंधे व्यक्ति के हाथ को पकड़ता है और उसको गांव से बाहर लेकर के जाता है और उसके बाद उसके आंखों में थूकता है और अपने हाथों से छू करके उसको दृष्टिदान देता है और इसके आगे जो है हिदायत भी देता है यीशु मसीह उसको कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। उससे पहले बोलता है कि तुम अपने घर चले जाओ और इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना, ऐसा करके उसको हिदायत देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अंधा व्यक्ति जो था वो उस बैतसदा का नहीं था और इसलिए जो है यीशु मसीह उसको उस जगह से जो है उसको निकालता है और उसको गांव से बाहर लेकर के जाता है और तब जा करके जो है उसके आंखों को छूता है और उसको दृष्टिदान देता है। तो सचमुच में जो है परमेश्वर का योजना अद्भुत है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि आज संसार से हम सबों को भी जो है परमेश्वर ने क्या किया है, अलग किया है ना। परमेश्वर जो है हम सबों को अलग किया है और जिस तरह से इस घटना में बतलाया जाता है कि वो अंधा व्यक्ति बैतसदा का नहीं था और उसका गांव जो था कोई दूसरा जगह था, तो वैसे ही आज भी हम लोग जो है इस संसार के नहीं है। हम लोगों को यीशु मसीह जो है अपने लहू से मोल ले लिया है और उसने हमें खरीद लिया है और इस तरह से जो है यीशु मसीह हम लोगों को इस संसार से जो है अलग करता है और हम सबों को उस देश में ले जाता है, यानी कि हम लोगों को स्वर्ग राज में ले जाता है। तो आज हम इस घटना से यही सीखते हैं कि यीशु मसीह जो है हम लोगों को इस संसार के लिए नहीं लेकिन अपने स्वर्ग राज के लिए बनाया है और हम लोग इस संसार के नहीं है लेकिन हम लोगों का अस्थाई घर स्वर्ग है। तो आइए और एक हम ऐसा घटना को देखें पुराना नियम से, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में भी यहोवा परमेश्वर जो है उसको बुलाता है और उसके बाद में यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो उत्पत्ति 12 है उसका पहला दूसरा पद में जहाँ अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है और बोलता है कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ऐसा करके यहाँ पर परमेश्वर जो है अब्राहम को बुलाता है और आशीष देता है और हम लोग देखते हैं कि सचमुच में अब्राहम जो है परमेश्वर की आवाज को वो सुनता है और अपने परिवार को छोड़ देता है, अपना घर को छोड़ देता है, अपना पिता रिश्ता नाता को छोड़ करके वो परमेश्वर के जो है पीछे चलने लगता है, जबकि वो देखा भी नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, लेकिन उसका एक विश्वास था कि जब परमेश्वर हमको बुलाया है तो हमको वो सही जगह लेकर के जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में बहुत सारा ऐसा परिस्थिति आता है
और हम लोग देखते हैं उसके आगे कि परमेश्वर जो है उससे और एक वाचा बांधता है कि उसको लेकर के जाता है और आकाश को दिखलाता है और वहां बोलता है कि तुम इन तारों को गिनो। तो अब्राहम बोलता है कि मैं नहीं गिन सकता, तो बोलता है परमेश्वर कि मैं तेरे वंश को तारों के समान बढ़ाऊंगा, ऐसा बोल जाके बोलता है और साथ ही साथ जो है और एक वाचा बांधता है। वो बोलता है परमेश्वर की मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है मैंने तेरे वंश को दे दिया है, ऐसा करके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर जो वादा किया था उस वादा को जो है वो पूरा करता है। और जैसा परमेश्वर बोला था कि मैं तेरे वंश को दूंगा, वैसे ही जो है परमेश्वर जो है अब्राहम को उस जगह से हाथ पकड़ करके निकालता है और उसके वंशजों को जो है कनान देश में लेकर के पहुंचाता है और वहां उन लोगों को बसाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब्राहम जब परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर पर आश्रित हुआ तो परमेश्वर जो है उसको उसके साथ जो वादा किया था, जो वाचा किया, वाचा बांधा था, उसको वो पूरा करता है और उसके वंशजों को जो है उस कनान देश में लेके पहुंचाता है। तो आज अगर हम लोग देखें तो और एक बात है कि हम लोग आज अपने अपने घरों में जो है इस कोरोना बीमारी के चलते जो पूरे विश्व में लॉकडाउन किया गया है और सबों को हिदायत दिया गया है कि अपने अपने घरों में रहे, तो हम लोग देखते हैं कि एलिशा के जीवन को हम लोग देखेंगे। सॉरी, एलिया के जीवन को हम लोग देखेंगे जहां पर जो है इजेबेल के डर से एलिया जो है क्या करता है, उसके सामने से भागता है और वो एक जगह जाता है, जाऊ के पेड़ के नीचे जा करके वहां लेट जाता है और वहां हम देखते हैं कि यहोवा का जो दूत रहता है वो आता है और एलिया को छू करके उसको उठाता है और बोलता है कि जो है ये रोटी को खाओ और पानी को पियो, और वैसे ही एलिया करता है, रोटी को वो खाता है और पानी पीता है और फिर से लेट जाता है। उसके बाद दूसरी बार फिर एक बार दूत आता है और फिर से उसको जगाता है और फिर उसको बोलता है कि रोटी खाओ और पानी पियो क्योंकि तुमको जो है बहुत लंबा यात्रा में जो है चलना है, ऐसा करके बोलता है। और सचमुच में हम लोग देखते हैं कि एलिया जो है रोटी खाता है और पानी पीता है और तब जो है वो उठ करके जो है उससे बल पाता है, रोटी खाता और पानी पीता है और उससे वो बल पाता है और उसके बाद जो है वो 40 दिन रात जो है चलता है, 40 दिन रात वो चलता है और चलते चलते वो परमेश्वर के पर्वत होरेब में वो पहुंचता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस लॉकडाउन के अंतराल में जो हम लोगों को जो रेस्ट मिला है, जो हम लोगों को जो आराम करने के लिए अपने अपने घरों में रहने के लिए हिदायत दिया गया है, तो आज हम लोग भी जो है एलिया के समान हम लोग भी अपने अपने घरों में रहे और रेस्ट मतलब कि हम लोगों को प्रार्थना करना है, विनती करना है और जितना हो सके हम लोगों को वचन पढ़ना है और हम लोगों को आत्मा में बलवान होना है, आत्मा में हम लोगों को बलवंत होना है। जैसा कि एलिया जो है क्या हुआ,
बलवंत हुआ और वो 40 दिन रात जो है वो चल सका। तो आज हम लोगों के लिए इस संसार में जब हम लोग आत्मिक जीवन में हम लोग चलते हैं तो हम लोगों के लिए ये वचन जो है बहुत जरूरी है। इस वचन को हम लोग भी इंडिया के सम्मान हम लोग भी इसका मनन करें, अध्ययन करें और हम लोग एक लंबी यात्रा अपने जीवन की इस लंबी यात्रा अपना जीवन जितना भी साल है हम लोग इस पूरे जीवन को जो है इस बाइबल को लेकर के हम लोग चले ताकि हम लोग जो है स्वर्ग राज में पहुंच सके। फिर और एक घटना हम लोग देखते हैं कि जब इसराइलियों को मूसा के द्वारा जब छुड़ाया जाता है मिस्र देश से तो उस समय जो है हम लोग देखते हैं कि सबसे आखिरी विपत्ति जो है परमेश्वर जो है भेजता है वो है पहलौठों की मृत्यु। तो पहलौठों की मृत्यु से पहले जो है परमेश्वर जो है इसराइलियों को बोलता है कि तुम लोग अपने अपने घरों के अंदर में रहना और एक निर्दोष मेमने को तुम लोग बलि चढ़ाना और उसका लहू को अपने अपने दरवाजे के अलंग में चौखट में लगा देना ऐसा करके। और देखते हैं हम लोग कि इजरायली लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा का वे लोग पालन करते हैं और वे लोग वैसे ही करते हैं। और जब रात को जब परमेश्वर का दूत जब निकलता है वो पहलौठों को मारने के लिए तो उस समय में जो है जो दूध रहता है वो उनके घर के दरवाजे के चौखट में जो लहू को देखता है तो उस घर को छोड़ करके वो आगे बढ़ जाता है। और इस तरह से पूरे मिस्र में यहाँ तक कि फिरौन राजा का भी सारे पहलौठे है ना मनुष्य और पशु दोनों के पहलौठे जो है मारे जाते हैं लेकिन इसराइलियों के घर के पहलौठे जो है सब सुरक्षित रहते हैं। तो आज हम लोगों को बहुत ही अच्छा समय मिला है कि आज हम लोग जो है परमेश्वर ये चाहता है कि आज हम लोग अपने कामों से अपने दिन भर के कामों से आज परमेश्वर हम सबको छुड़ाया है। आज हमारे पास काम नहीं है, आज हम लोग काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने अपने घरों में है। तो ये परमेश्वर हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय दिया है कि हम लोग भी जो है आज क्या करें अपने भारत सरकार का के द्वारा जो लॉकडाउन है उसका आज्ञा का पालन करें। और परमेश्वर चाहता है हम लोगों के द्वारा कि हम लोग जो है ऐसा करें अपने अपने घरों में रहे और हम लोग जो है विनती करें और प्रार्थना करें। और ये जो कोरोना की जो बीमारी है ये महामारी जो है वो सचमुच में हमारे घर के पास तो आएगा लेकिन जब वो यीशु का लहू को देखेगा तो वो हमारे घरों को छोड़ करके वो आगे चले जाएगा और हमारे घर के सारे लोग जो है सुरक्षित रहेंगे, हम लोगों को कोई भी बीमारी नहीं होगा। ये परमेश्वर का वायदा है। जिस तरह से उसने इसराइलों के साथ वायदा किया आज वो हमें से हर एक के साथ जो है क्या करता है वादा करता है और उसका वादा जो है वो सच्चा है। इसलिए आइए जिस तरह से हम आज वचन में देखें कि वो अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह कैसे उस बैतसदा से जो है लेकर के अलग करता है और उसके गांव में तुम जाओ बोलता है, तुम वहां रहो ऐसा बोलता है और फिर से यहाँ मत आना, वैसे ही आज हम लोगों को भी करने की जरूरत है। हम लोगों को भी जो है आज अपने अपने घरों में रहना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति और वचन को पढ़ना है और हम लोगों को फिर से उस संसार में नहीं जाना है क्योंकि इस लॉकडाउन के अंतराल में हम सबों ने बहुत कुछ खोया है और हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है। परमेश्वर के वचन में से हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है और परमेश्वर हम सबों को और भी आशीष देना चाहता है। इसलिए इस समय का हम सदुपयोग करें, हम सब इस समय का सदुपयोग करें, हम इस समय को ना गंवाएं लेकिन हम सब पूरे परिवार होकर के
हम आज परमेश्वर के निकटता में आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, ताकि हम उस यात्रा में हम लोग जो है अपने जीवन की यात्रा में हम लोग जो है कामयाब हो सके। तो आप सबों को इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर बहुत आयत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस सुंदर रात्रि के समय में प्रभु तूने हम सबों को फिर से पिता परमेश्वर अपने निकटता के निकटता में लेकर के प्रभु आया है। और प्रभु आज के इस वचन के माध्यम से तूने हम सबों को बहुत आयत से आशीष दिया है। मेरे बोलने में प्रभु आपने सहायता की है, प्रभु हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं और इस विनती को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्गों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। संभाले रखे प्रभु, स्वस्थ रखे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद।
विनती करते हैं प्रभु आपके चरणों में आते हैं और नम्रता से विनती करते हैं उन विधवाओं को अनाथों के लिए उन सबों को संभाल प्रभु, स्वस्थ रख, हर बीमारी रोग बीमारी से उन सबों को बचा पिता, उन सबों के साथ हो, बच्चों को बुद्धि प्रदान कर प्रभु, विधवाओं को उन लोगों को भी शांति दे प्रभु और वाला चंगा रख, स्वस्थ रख। हे पिता जो भी घटी बड़ी है प्रभु आपके ओर से उन सबों को मिलने पाए और आपके ओर से जो भी उन लोग को जरूरत है प्रभु पूरा होने पाए, उन लोग का साथ हो प्रभु, उन लोग को शुद्धि ले प्रभु। पिता विनती करते हैं बुजुर्गों के लिए, उन सबों के साथ भी हो प्रभु, उन सबों को भी बहुत ऐसे आशीष दे, कोरोना महामारियों से उन सबों को बचा प्रभु, उन सबों के साथ हो, सबों के साथ हो ले प्रभु, कलेसिया का हर एक एक जनों के साथ हो, हर एक एक जनों को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन सबों का साथ हो प्रभु, उन सबों को आशीष दे, वाला चंगा रख, स्वस्थ रख प्रभु। हे पिता इस समय डॉक्टरों को नर्सों को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन सबों को भी शुद्धि लेना, उन सबों को भी आशीष दीजिए, वाला चंगा रख प्रभु, स्वस्थ है, ताकि उन सब अच्छा से अपना इलाज करने पाए, सेवा करने पाए प्रभु, उन सबों के साथ हो ले प्रभु। बच्चों को जवानों को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन सबों के साथ भी हो प्रभु, उन सबों को भी आशीष दीजिए, भला चंगा रखिए प्रभु, स्वस्थ रखिए। हे पिता विनती करते हैं इस देश के लिए, देश के हमारे नेताओं को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन लोग को भी बुद्धि प्रदान कर, ताकि देश को भी अपने बुद्धि दीजिए उन सबों को, और अच्छे से देश को भी चलाने सके प्रभु, उन सबों के साथ हो प्रभु। हे पिता विनती करते हैं और आपसे क्या विनती करें प्रभु, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम माताओं और बहनों के लिए प्रार्थना करें। ऐ मेरे खुदा सामर्थ्य परमेश्वर, तू अति महान परमेश्वर है, तू सब देवताओं से महान श्रेष्ठ पवित्र है, मेरे खुदा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तूने इतना सुंदर मौका दिया पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाए, इसलिए पिता परमेश्वर तुझसे दुआ प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर तूने अपने कलीसिया को खड़ा किया है और तू चाहता है कि प्रत्येक मानुष तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी आराधना करे, इसलिए पिता मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती, मेरे खुदा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू तो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु अति महान परमेश्वर, तू सब देवताओं से महान श्रेष्ठ है, इसलिए हे मेरे खुदा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हे दानियल हन्ना मिसा जय इब्राहिम साथ मेरे पुरखाओं के परमेश्वर मेरे परमेश्वर, और मेरे यहाँ पर पिता परमेश्वर, मैं तेरे जितने भी माता और बहनों के परमेश्वर है, तू सबों के परमेश्वर है, तू सबों का देखभाल करने वाला पालन करने वाला सृजनहार परमेश्वर है, इस घड़ी तुझसे विनती और प्रार्थना करती पिता सामर्थ्य पिता, माता और बहनों को पिता परमेश्वर, तू अपने कलीसिया के लिए काम की सेवा है, तो पिता परमेश्वर उस कलीसिया के कार्य को चलाने के लिए उसे सद्बुद्धि दे, मन दे, शक्ति दे, बल दे, और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह उस पर उड़ने, ताकि पिता परमेश्वर तेरे कार्य को सही रूप से सही सलामत करने पाए और सही रास्ते को अपना कर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा धन्यवाद करने पाए, पिता इस छोटी सी प्रार्थना को आपके महान सामर्थ्य हाथ में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए हम इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव और छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता, तू अपने लोगों के लिए जो तेरे नाम से इकट्ठे हैं हमारा रक्षा और सहायक बन, तू हमारी दुर्बलताओं को जानता है, ये प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं उन लोगों के जो जो इन बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों की तू रक्षा कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर। अधे पिता जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है वे दुखित हैं, इस दुख के समय में तू उन्हें शांति प्रदान कर और उनको सुरक्षा दे, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। उन तमाम डॉक्टरों नर्सों स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के लिए जो रात दिन इनकी सेवा अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तथा अन्य संस्थाओं के लिए जो जरूरतमंदों को भोजन खिला रहे हैं, तो इन सब की रक्षा रखवाली कर, इनकी स्वास्थ्य को बनाए रख, ताकि ये सुचारू रूप से नियमित अपनी सेवा दे सकें, हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। उन शोधकर्ताओं के लिए भी जो इस रोग को बचने के लिए और इस वायरस को रोकने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, तो उन पर भी अपने मार्गदर्शन कर और उन्हें सफल बना, ये प्रभु प्रार्थना करते हैं। सभी राष्ट्रों के अधिकारियों के लिए जो अपने देश के लोगों के लिए
तथा अपने देश के भलाई के लिए जो भी कार्य कर रही हैं या योजनाएं बना रही हैं तो उनका मार्गदर्शन कर और बहुतायत साजिश दे कि वे सही निर्णय ले सकें ताकि पहले की तरह सब ठीक हो जाए और लोग भयमुक्त होकर अमन चैन से रह सकें। हे प्रभु, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हम घर में हो या घर से कहीं दूर अकेले हो या पीड़ितों के बीच में, हे प्रभु तो हमारी रक्षा रखवाली कर और हमें चंगाई कर कि हम धन्यवाद मन से तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना हम आपके नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। बात देते हैं कि हम अनेक प्रकार की रुकावट होने पर भी हम सब इस पारिवारिक सप्ताह को मना पा रहे हैं। दया करके तू हमारे साथ रह और हम मसीह सेवा महिला संगति के कार्यों में भूतायत से आशीष दे।
हम अपने घरों में, पड़ोसियों के माध्यम में और उन सभी स्थानों पर जहाँ हम कार्य करते हैं अपनी कलीसिया और समाज में तेरे गवाह बने रहे। तेरे कार्य को करने के लिए हमें अच्छी बुद्धि समझ दे, ताकि अपने कार्यों के द्वारा तेरे नाम की महिमा फैला सके। दया से हमारी प्रार्थना सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आइए प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। यीशु सर हैं।